भीलवाड़ा में दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला। अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह भीलवाड़ा पहुंचे। अब भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, फायरिंग करने वाले आरोपियों तक पुलिस के हाथ पहुंच गए हैं। आईजी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। 6 महीने पहले हुए हत्याकांड के मामले से वारदात के तार जुड़े हुए। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला। अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह भीलवाड़ा पहुंचे। भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता, फायरिंग करने वालियों तक पहुंची पुलिस। आईजी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। 6 महीने पहले हुए हत्याकांड के मामले से वारदात के तार जुड़े बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। के अंदर बाइक पे आए कुछ व्यक्तियों द्वारा दो लोगों पे फायरिंग की गई, जिसके अंदर एक की स्थिति सब स्टेबल है और एक की उसमें मौत हो गई थी। उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, टीमें उनके पीछे पड़ी हैं और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सब भीलवाड़ा वासियों से मेरी अपील है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और हमारे हाथ मजबूत करें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। अगर कोई अफवाह फैलाता है या कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई सख्त की जाएगी। भीलवाड़ा में दिन में एक गोलीकांड हुआ था जिसके बाद 2 लोग घायल हो गए थे और एक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अजमेर रेंज के आईजी रुपिंदर जी भीलवाड़ा पहुंचेंगे, आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये घटनाक्रम आपके सामने भी आया, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ दिख रहा था, उसको आपने संभाला भी, अब सर उसमें क्या प्रोग्रेस है, सर कहाँ तक पुलिस पहुंची है? अब तक पुलिस ने पहचान कर ली है कि कौन है इस घटना के अंजाम देने वाले और उनका टीम्स लगा के उनका पीछा किया जा रहा है, जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं ये संभावना भी जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश को लेके, पुराने 8 से 9 महीने पहले जो एक हत्याकांड हुआ था उससे इसको रिलेट किया जा रहा है, उन्होंने अपनी रंजिश को पूरी करने के लिए ये पूरा घटनाक्रम किया। सर हाँ, ये बात सामने आई है कि मई 2022 में एक मर्डर केस हुआ था और उसमें जो पीड़ित था वो इस आज के केस में वो एक्यूज्ड पार्टी की तरफ से हैं और जो उसमें एक्यूज थे वो आज उनका पक्ष जो है पीड़ित है। सो ये रंजिश वाली जो कहानी है सामने आ रही है और जैसे ही इनकी गिरफ्तारी होगी ये पूरा पूरा पटाक्षेप हो जाएगा। सर, कहने का इसके तार आदर्श तापड़े हत्याकांड से जुड़े हुए हैं क्या सर, उसका बदला लिया गया? सर बिल्कुल उसी बदला नहीं कह सकते, वो तो पूरा केस खुलने पे ही पता चलेगा, पर उसी की जो फैमिली के उसके रिश्तेदार हैं वो इसमें उनका नाम आ रहा है। जैसे ही इसका खुलासा हो जाएगा पूरे केस का, ये सारी कहानी सामने आ जाएगी। ये थे हमारे साथ आईजी रुपिंदर जी, जिन्होंने खुलासा करते हुए न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस के हाथ इब्राहिम के हत्यारों तक पहुंच चुके हैं और जल्दी इसका खुलासा भी कर दिया जाएगा और ये जो आदर्श तापड़े हत्याकांड था उसके तार इससे जुड़े हुए हैं। वीर जुनी संकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। राहुल कौशिक मेरे सहयोगी भीलवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बताया अभी जा रहा है, अभी खुलासा हुआ है राहुल ने कि 6 महीने पहले हत्याकांड हुआ था उससे इस वारदात के तार जुड़े हुए हैं, क्या अपडेट अब इस पूरे मामले पर? जी सुमित, रुपिंदर जी जो है, जो आईजी है अजमेर रेंज के, उन्होंने सबसे पहले न्यूज 18 से देर रात बात करते हुए ये पूरी जानकारी दी थी, ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। आदर्श तापड़े हत्याकांड है जिस मामले उस मामले में भी ये जो टोनी और इब्राहिम है उसमें उनके तार जुड़े हुए थे, उसी की रंजिश को चलते हुए उनका कल ये हमला हुआ था और इससे ये दोनों बहुत गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिसमें से एक की मृत्यु भी हो गई थी और देर रात एक को उदयपुर भी रेफर कर दिया गया है। और उसके बाद जब पुलिस के हाथ उन हमलावरों तक पहुंच गए, उसके बाद जो समाजजन थे, जो परिजन थे, उन्होंने देर रात अपना धरना समाप्त कर दिया था। शव का पोस्टमार्टम भी करा लिया गया है और आज सुबह शव की जो अंतिम क्रिया होती है समाजजन और परिवारजन वो भी कर देंगे। शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए।